हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ तैयार हैं आपकी तैयारी अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा को कुछ बेहतर करने के लिए। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना बिल्कुल पक्का है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये टॉपिक है, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे कि आपको एक शब्द दिया गया है और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से राइट वाला आपको टिक करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है चतुष्पद, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, चतुराई से कठिनाइयों को हल करने वाला। नंबर बी है, तुरंत कठिन पदों को भी कठस्य कर लेने वाला। नंबर सी है, चार पैर हों जिसके। नंबर डी है, किसी को चटुकरित करके लाभ उठाने वाला। आप अपने पास भी ऑप्शन, अगर आपको कौन सा सही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दे सकते हैं, वरना इसका आज जो आंसर है वो आंसर नंबर थ्री सी जो है बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चार पैर हों जिसके, चतुष्पद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुश्रुत, ऑप्शन नंबर ए है, जिसने बहुत कुछ सुना हो। बी है, जिसके विषय में बहुत कुछ सुना हुआ हो। सी है, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। और डी है, जो बहुत कुछ सुनाने की क्षमता रखता हो। आपको इसके लिए 5 सेकंड मिलते हैं, अगर आप आंसर दे पाएँ तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि दूसरे का जो भी आंसर है और पहले का जो भी आंसर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, बहुश्रुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, दुस्तर। ठीक है, ऑप्शन ए है, जिसके पार जाना कठिन हो। बी, जो अच्छे स्तर का ना हो। सी, जिसे भेदना कठिन हो। डी, दोहरे स्तर वाला। आपको इसके लिए भी 5 क्वेश्चन सेकंड दिए जाते हैं, तो इसका आंसर जो होगा जिसके पार जाना कठिन हो। ठीक है, जिसके पार जाना कठिन हो, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रेषणीय क्या? तो इसका जो ऑप्शन है, अपने गुरु का सबसे पहला शिष्य। बी, शिष्य का शिष्य। सी, विद्या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला शिष्य। डी, बुद्धिमान शिष्य। प्रिय शिष्य का आपको बताना होगा आंसर, वरना हम आपको बता ही देंगे। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, शिष्य का शिष्य, चौथे का भी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकोच, किसी कार्य को करने में शर्म, अनुसूचित कार्य करने में हिचकिचाहट, बुरे कामों पर दुख, आत्मविश्वास का कम होना। आपके पास 5 सेकंड है, आप इसका आंसर दे दीजिए। तो पांच का जो होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अनुसूचित कार्य करने में हिचकिचाहट, संकोच। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लब्ध कीर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, जिसे कीर्ति का लाभ हो। बी, जो प्रसिद्ध हो। सी, जिसे सहज यश प्राप्त हो। डी, जो ख्याति अर्जित कर रहा हो। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ना इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जो ख्याति अर्जित कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर सेवन, शोभ। ए, असफल हो जाने पर होने वाला दुख। बी है, करुणाम्य समाचार सुनकर होने वाला दुख। सी है, किसी प्रियजन की मृत्यु पर होने वाला दुख। और डी है, सामान्य कष्ट के कारण होने वाला दुख। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, फटाफट आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सेवन का जो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, असफल हो जाने पर होने वाला दुख। क्वेश्चन नंबर एट, अधिक सोचना। नंबर फर्स्ट है,
नियम बताने वाली सूचना, बी है सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना, सी है समय से पूर्व दी जाने वाली सूचना, और डी है मात्र मुख्य बातों से अवगत करने वाली सूचना। आपको इसका आंसर पता हो तो आप जल्दी से इसका आंसर हमें बता दें, वरना हम आपको इसका आंसर बता देंगे। अधिसूचना का जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कृपा, नंबर ए है दुख में सहानुभूति, नंबर बी है दीन व्यक्ति को सहायता, नंबर सी है पैसे से मदद, नंबर डी है किसी के लिए कोई कार्य ना करना, कोई कार्य करना। ठीक है, बता दीजिए आप इसका आंसर अगर आपको पता हो तो, वरना हम आपको बता ही देंगे। तो आपका आंसर होगा दीन व्यक्ति की सहायता करना, गरीब, दीन जो है गरीब का पर्यायवाची। ठीक है, 10, अतिवृष्टि, तो आपका ऑप्शन होगा पहला अत्यधिक विचार करना, 10 का बी ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा होना, और सी ऑप्शन है अत्यधिक सूखा पड़ना, और डी है अत्यधिक संतुष्ट होना। इसका आंसर आपको हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो अगर अच्छा लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति की परीक्षा कर पाएँ, और ऐसे क्वेश्चन हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आपको इसका आंसर ज़रूर ही दें कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।